सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के नए कार्यकारिणी में शेष बचे पदाधिकारियों का चुनाव परिणाम रविवार को घोषित हुआ। आपको बता दें कि रविवार के चुनाव परिणाम में 10 वर्ष से ऊपर के प्रैक्टिस में उपाध्यक्ष पद के लिए शंकर सुमन शुक्ल, संतोष कुमार यादव हुए विजयी, और वहीं 10 वर्ष से कम प्रैक्टिस में उपाध्यक्ष पद के लिए प्रवीण कुमार शुक्ला, राजू प्रसाद गुप्ता विजयी हुए। और चुनाव साकुशल सम्पन्न होने के बाद एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन राम गोविंद त्रिपाठी ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं दी। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन राम गोविंद त्रिपाठी ने बताया। त्रिपाठी चेयरमैन एल्डर्स कमेटी, हाँ विजयी हुए हैं। लगभग सभी पदों का चुनाव समाप्त हो गया है, कार्यकारिणी का चल रहा है। अब मैं बता रहा हूँ आपको कौन कहाँ जीता है। अध्यक्ष पद के लिए भानु प्रताप पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए दिलीप कुमार यादव, उपाध्यक्ष 10 वर्ष से ऊपर के में दो पद शंकर सुमन शुक्ल और संतोष कुमार यादव। उपाध्यक्ष 10 वर्ष से कम प्रवीण कुमार शुक्ला और राजू प्रसाद गुप्ता। मंत्री पद में ये अनुराग दुबे, कोषाध्यक्ष के लिए अजयानंद सिंह मुन्ना, संयुक्त मंत्री प्रशासन एक पद हेतु रविंदर सिंह, संयुक्त मंत्री पुस्तकालय आशीष कुमार पांडे, संयुक्त मंत्री प्रकाशन विजेंद्र तिवारी विजयी हुए। जीते प्रत्याशियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जीते हुए प्रत्याशियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे अपने तरफ से? बस ठीक से काम करें, संघ के हित में जो उचित हो वो करें, और बेंच से सामंजस्य बनाए के बनाकर अधिवक्ताओं के हित में जो भी चाहे कर सकते हैं।